इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच में जो यहाँ पर पहला टेस्ट मैच हुआ, इसका हम इस वीडियो में काफी डिटेल में एनालिसिस करेंगे। स्वागत है आपका परफेक्ट लाइनअप एप्लीकेशन पर। यहाँ पर आप हर एक फैंटेसी मैच को काफी डिटेल में जान सकते हैं। देखो, इंडिया और विंडीज, अगर आप दोनों टीम्स को आमने सामने रखोगे तो इंडिया का जो पलड़ा है वो काफी भारी रहेगा, और विंडीज की जो टीम है वो पहले जैसी नहीं रही। काफी डिक्लिनेशन इस टीम का हुआ है, और आप अगर इनका स्क्वाड भी देखोगे ना तो आपको नाम नहीं दिखाई देंगे जिसके लिए हम विंडीज की टीम को जाना करते थे। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपको इस मैच में कौन से प्लेयर जो आपको अपने टीम में लेने हैं, आपकी टीम कैसी होनी चाहिए अगर आप फैंटेसी में आसानी से विन करना चाहते हो, और टेस्ट मैचेस में जो मैथमेटिक्स होता है फैंटेसी का वो काफ़ी अलग होता है। तो हम उस मैथमेटिक्स को ध्यान में रखते हुए अपनी यहाँ पर टीम जो है वो क्रिएट करने वाले। वीडियो में आपको अंत तक बने अगर आप रह गए तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी, और आप अपनी खुद की एक टीम क्रिएट कर पाओगे। ठीक है, जो चीज़ें होती है ना वो हमें खुद से समझ में जब तक नहीं आती है तो कॉपी पेस्ट करके हम ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते। ठीक है, तो चलिए इस एनालिसिस में हम आगे बढ़ते। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो मैच है इसकी जो फाइनल टीम आपको मिलेगी परफेक्ट लाइनअप एप्लीकेशन पर, और परफेक्ट लाइनअप एप्लीकेशन का लिंक कहाँ पर मिलेगा आपको? ये मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप कमेंट सेक्शन भी चेक कर सकते हो, नहीं तो गूगल प्ले स्टोर पर जाके आपको सर्च करना है परफेक्ट लाइनअप, आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगा। एज ए फैंटेसी यूजर आपके पास ये होना बहुत जरूरी है। आपको सिर्फ यहाँ पर फाइनल टीम से नहीं मिलती, टॉस के बाद की सारी अपडेट्स प्लस आपको यहाँ पर जो भी एक फैंटेसी एनालिसिस के लिए पूरा डेटा चाहिए होता है वो एक ही जगह पे मिल जाता है। तो अगर आपके पास परफेक्ट लाइनअप है तो आपको यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं इस एनालिसिस को। तो चलिए हम यहाँ पर पहले तो दोनों टीम्स का प्रोबेबल प्लेइंग इलेवन क्या होने वाला है ये देख लेते। इसके लिए आपको परफेक्ट लाइनअप का जो स्क्वाड का फीचर है इसके ऊपर आ जाना है। यहाँ पर आपको दोनों टीम्स का जो स्क्वाड है वो नज़र आ जाता है। तो देखिए, विंडीज़ की जो टीम है उसका स्क्वाड आपके सामने है, आप देख लीजिए एक एक प्लेयर को, जैसे क्रेग ब्रेथवेट, टी चंदर पॉल, अल्जरी जोसेफ, डीजे सिल्वा, सॉरी जे डी सिल्वा, उसके बाद आर रिफर, जेरेमी ब्लैकवुड, जेसन होल्डर, शेनन गैब्रियल, केमा रोच, अकीम जॉर्डन, ये एथेंजे, टी इम्लैक, उसके बाद के मैकेंजी, जे वॉरिकन और अरकिम कार्निवल। ठीक है, ये इनकी तरफ से पूरा स्क्वाड है। इंडिया की जो टीम इनकी तरफ से स्क्वाड में देखिए, रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, अजिंक्य रहाणे, विराट कोहली, शुभमन गिल, मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर, रोहित शर्मा, के श्रीकर भरत, जयदेव उनादकट, ऋतुराज गायकवाड़, यम कुमार, उसके बाद यशस्वी जायसवाल, ईशान किशन और नवदीप सैनी, ये जो प्लेयर है ये पूरा स्क्वाड है इंडिया का। अब इसमें से ही जो हमारा प्लेइंग इलेवन है वो तैयार होगा। अब देखो, प्रोबेबल प्लेइंग इलेवन का जो अच्छा आइडिया है वो हमें कहाँ पे लगेगा, इसके लिए आपको परफेक्ट लाइनअप का जो टीम हेड टू हेड फीचर है इसको ओपन कर लेना होता है। जैसे आप यहाँ पर लास्ट 5 टेस्ट मैचेस के ऊपर क्लिक करोगे, पहले तो हम विंडीज़ का देख लेते। जो विंडीज़ का लास्ट मैच था उसका स्कोर कार्ड जो होता है वो हमें बता देगा कि जो टीम है 21 प्लेइंग इलेवन के साथ खेलने जाती है। तो चलिए, यहाँ पर विंडीज़ की जो टीम है इनका पिछले मैच का जो प्लेइंग इलेवन है ये हम देख लेते। देखो, साउथ अफ्रीका के खिलाफ विंडीज़ खेल के आ रही है, वहाँ पे इनको करारी हार मिली थी साउथ अफ्रीका की तरफ से। आप देख सकते हो, क्रेग ब्रेथवेट ने ओपन करा था टी चंदर पॉल के साथ, वन डाउन आए थे रोमन रैफर। अगर आप नीचे देखोगे ना, जेरेमी ब्लैकवुड, रोस्टन चेज, कायले मेयर्स, जोशिया डिसिल्वा, उसके बाद जेसन होल्डर और अल्जरी जोसेफ, इनकी तरफ से पूरा पूरा अपना जो बैटिंग ऑर्डर जिसे हम कहते थे वो था। परफॉर्मेंस वाइज आप देख सकते हो, परफॉर्मेंस सिर्फ होल्डर से आया था, 81 रन इन्होंने बनाए थे, वन मैन आर्मी। बाकी नीचे कोई भी बैट्समैन विंडीज़ का ऐसा नहीं है कि जो टिक के खेल सके ज़्यादा। ठीक है ना, ये थोड़ा सा इनकी मतलब जो टीम है वो बड़े शॉट्स खेलने के लिए जानी जाती है। T20 फॉर्मेट में विंडीज़ की टीम अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन टेस्ट मैचेस में आमतौर पे ये इतना बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं करते। अगर हम बॉलिंग से देखें ना विंडीज़ की टीम को, तो केमा रोच, अल्जरी जोसेफ, कायले मेयर्स, जेसन होल्डर, गुडाकेश मोटी और रोस्टन चेज, इनकी तरफ से तब के बॉलिंग ऑप्शन थे। ठीक है, इसमें हमने अगर स्क्वाड देखा था तो इसमें कुछ नाम है ही नहीं, जैसे गुडाकेश मोटी नहीं है, रोस्टन चेज नहीं है, तो इन प्लेयर्स को छोड़ दो। लेकिन जो प्लेयर्स खेलने वाले थे, जो स्क्वाड में भी है और यहाँ पे खेले भी है, उन प्लेयर्स के ऊपर आपको अपनी नज़र बनाए रखनी है। खास करके देखो, अल्जरी जोसेफ ने 3 विकेट्स निकाली थी इस मैच में, और कायले मेयर्स का तो नाम ही स्क्वाड में नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है। ठीक है, तो ये ज़रूरी था कि हम पिछले मैच में क्या प्रोबेबल प्लेइंग इलेवन के साथ विंडीज़ गई थी वो देखना, तो हमने देख लिया है। इंडिया का भी देख लेते। इंडिया तो अभी WTC खेल के आई है, फाइनल अपना हार के आ रही वहाँ पे, तो उनका भी देख लेते हम।
देखो इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा ने ओपन करा था, शुभमन गिल के साथ वन डाउन आए थे चेतेश्वर पुजारा, मिडल ऑर्डर में विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, रविंद्र जडेजा, के श्रीकर भरत, शार्दुल ठाकुर, ये पूरा बैटिंग ऑर्डर ही था। नीचे बॉलिंग शुरू हो जाती है, परफॉर्मेंस कुछ खास रहा नहीं था इंडिया का। बाकी अगर आप बॉलिंग से देखोगे ना तो मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, उमेश यादव, शार्दुल ठाकुर, रविंद्र जडेजा, ये बॉलिंग ऑप्शंस थे उस मैच में इंडिया की तरफ से। और परफॉर्मेंस सिराज की तरफ से आया था, सिर्फ 4 विकेट्स उन्होंने निकाले थे फर्स्ट इनिंग में, ठीक है। सेकेंड इनिंग का भी था अवेलेबल, हम देख लेते सेकेंड इनिंग में भी क्या करा था इंडियन के बॉलर्स ने। तो देखो सेकेंड इनिंग में फिर से 2 शमी को मिली थी विकेट्स, एक मोहम्मद सिराज ने निकाला था, 3 मिली थी रविंद्र जडेजा को और 2 उमेश यादव को मिली थी, ठीक है। तो ये कुछ परफॉर्मेंस रहा है। देखो जब भी टेस्ट मैच होती है ना तो इंडिया की तरफ से जो 3 प्लेयर है वो आपके टीम में होने ही चाहिए, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ ये हम यहाँ पर आगे देखेंगे, तो इसके लिए आपको आना है चीट शीट के ऊपर। देखो चीट शीट जो होती है ना यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट प्लेयर्स पता चलते हैं इस मैच में आपके लिए कौन से होने वाले हैं। तो देखो हम पहले तो रिसेंट फॉर्म के बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स देख लेते हैं। एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स यानी जो रिसेंट फॉर्म होता है ना उसके बेसिस पर इस मैच में आपके लिए टॉप प्लेयर्स कौन से होने वाले हैं। पहला नाम जडेजा का दिखाई देगा। जडेजा यहाँ पर 5 मैचेस खेले हैं जिसमें इन्होंने 817 फैंटेसी पॉइंट्स दिए, यानी हर एक मैच में आपको 100-150 के बीच में फैंटेसी पॉइंट्स देखे जाते हैं, जो कि काफ़ी बड़ा आंकड़ा होता है, ये आपकी टीम में होनी चाहिए। उसके बाद रविचंद्रन अश्विन का नाम आता है, इन्होंने सिर्फ 4 मैचेस में 634 फैंटेसी पॉइंट्स दिए, तो ये भी उतने इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो 2 प्लेयर ने आपको, एक तो विकेट टेकिंग एबिलिटी इनकी बहुत ज़्यादा है, जो विंडीज की पिचेस होती है वहाँ पे स्पिन जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, काफ़ी ऐसी ड्राई पिचेस होती है, तो उसमें जडेजा और अश्विन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। नीचे अल्ज़र जोसेफ का नाम दिखाई देगा, लास्ट के 5 मैचेस में इन्होंने 481 फैंटेसी पॉइंट्स दिए हैं और इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बाकी विराट कोहली 5 मैचेस 473 फैंटेसी पॉइंट्स, टी चंदर पॉल लास्ट 5 मैचेस 462 फैंटेसी पॉइंट, जेसन होल्डर लास्ट 5 मैचेस 458 फैंटेसी पॉइंट्स, जे डासिल्वा उनका यहाँ पर लास्ट 5 मैचेस में 454 और अक्षर पटेल लास्ट के 4 मैचेस 407, ठीक है। तो ये जो भी रिसेंट फॉर्म में अच्छे चल रहे हैं प्लेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसमें विंडीज़ के 4 है, अल्ज़र जोसेफ, टी चंदर पॉल, जेसन होल्डर और जे डासिल्वा, बाकी इंडिया के ही है विराट कोहली, अक्षर पटेल और जडेजा और अश्विन, ठीक है। अब एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स के बेसिस पे इस मैच में आपके लिए टॉप प्लेयर्स कौन से होने वाले। अजिंक्य रहाणे का नाम आपको 1 नंबर पे दिखाई देगा। देखो अजिंक्य रहाणे यहाँ पर लास्ट मैच जो खेले थे ना WTC में, उसमें इन्होंने 171 फैंटेसी पॉइंट दिए थे। IPL में भी इन्होंने अच्छा करा है परफॉर्मेंस, और टेस्ट मैच ही इनका मेन फॉर्मेट है खेलने का, तो फॉर्म भी अच्छा है, एक कॉन्फिडेंस इनमें, तो आप इनको भी ले सकते हो, ट्रम्प कार्ड भी आपके लिए होंगे। 171 फैंटेसी पॉइंट्स दिए थे इन्होंने लास्ट मैच में। अगर आप रविंद्र जडेजा का देखोगे ना तो लास्ट के 5 मैचेस उठाओ इनके 163 फैंटेसी पॉइंट्स का इनका एवरेज चल रहा है, यानी नीचे जाते ही नहीं है आप। 163 फैंटेसी जो पॉइंट्स इसके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है रविंद्र जडेजा, कैप्टनसी भी आप इन्हें दे सकते हो। उसके बाद रविचंद्रन अश्विन का नाम आता है, ये भी पीछे नहीं है, इनका 158 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज है, ठीक है, और लास्ट के 4 मैचेस से इन्होंने मेंटेन करा हुआ है, ये भी मस्ट पिक होंगे। उसके बाद शार्दुल ठाकुर का नाम आता है, इनका एक ही मैच खेले 113 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज, लेकिन बैटिंग और बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट करके देते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अक्षर पटेल इनका 101 फैंटेसी पॉइंट का एवरेज, ये भी इंपॉर्टेंट है। अल्ज़र जोसेफ इसमें इनका 5 मैचेस से 96 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज चल रहा है। विराट कोहली 94 फैंटेसी पॉइंट्स का इनका एवरेज चल रहा है। टी चंदर पॉल 92, ठीक है। तो देखो ये जो 8 के 8 प्लेयर है ये होने चाहिए आपकी टीम में, क्योंकि इनके फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज है ना जा ही नहीं रहा है 90s के नीचे, ठीक है। तो ठीक है हमने नोट कर लिया, इन्हें अपने टीम में लॉग भी कर लिया, आगे चल के इन्हीं से ही हमारी टीम बनेगी, हमें चीज़ों को अलग से नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम परफेक्ट लाइनअप पे ही चीज़ों को यहाँ पर सॉर्ट आउट करते चल रहे हैं। अब कंसिस्टेंसी वाइज टॉप प्लेयर्स आपके लिए इस मैच में कौन से होने वाले हैं, इसमें जे डी सिल्वा का नाम 1 नंबर पे नजर आएगा आपको, क्योंकि लास्ट के 5 में से 5 मैचेस ए ड्रीम टीम में रह चुके, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। रविंद्र जडेजा 4 बार, रविचंद्रन अश्विन 4 बार, अल्ज़र जोसेफ 4 बार, उसके बाद अक्षर पटेल, रेमन रेफर, उसके बाद ये 3 3 बार रह चुके, अक्षर पटेल तो रेमन रेफर और विराट कोहली और टी चंदर पॉल 2 2 बार, ठीक है। अगर आप वेस्ट इंडीज की जो टीम है इनकी तरफ से टॉप 5 प्लेयर्स देखोगे तो पहले अल्ज़र जोसेफ, उसके बाद टी चंदर पॉल, जेसन होल्डर,
जेडे सिल्वा और कार्लोस, सॉरी क्रेग ब्रेथवेट, ठीक है, ये पांच प्लेयर है विंडीज की तरफ से इस मैच में आपके लिए। अगर आप इंडिया की तरफ से टॉप प्लेयर देखोगे तो अजिंक्य रहाणे, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, शार्दुल ठाकुर और अक्षर पटेल, ठीक है, तो ये पांच प्लेयर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया की तरफ से। आप इन्हें अपनी टीम में ज़रूर रखना, आपकी जो कोर टीम है ना इनकी इर्द गिर्द ही बनेगी, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी भी इनकी इर्द गिर्द होनी चाहिए आपकी। बाकी आप थोड़ा बहुत रोटेशन बाकी के प्लेयर्स में कर सकते हो। बाकी पोजीशन रैंक वाइज विकेटिंग सेक्शन में आप दो ऑप्शन है, जेडी सिल्वा और के श्रीकर भरत का आपके पास, ईशान किशन खेलते तो वो भी एक ऑप्शन होंगे लेकिन प्रेफरेबल होंगे जेडी सिल्वा, ठीक है। अगर आप बैटिंग सेक्शन में देखोगे तो अजिंक्य रहाणे, विराट कोहली और टी चंदर पॉल, ये तीन ऑप्शन से। इसके बाद आप नीचे देख सकते हो शुभमन गिल और के ब्रेथवेट। देखो टैलेंट वाइज ये जो टी चंदर पॉल है ना इनसे ऊपर है शुभमन गिल और क्रेग ब्रेथवेट, ठीक है, तो फॉर्म इतना अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पर हम टैलेंट वाइज अगर जाना चाहें तो आप इनको प्रिफर कर सकते हो, नीचे के जो दो ऑप्शन है ना इनको। ऑलराउंडर सेक्शन में चलते, जड्डू आपकी टीम में होने चाहिए, रविचंद्रन अश्विन को छोड़ना नहीं है, अक्षर पटेल मस्ट हैव पिक है। जेसन होल्डर को देखो विंडीज की तरफ से ऐसे भी कोई स्टार नाम है ही नहीं, हम जेसन होल्डर को ही अच्छे से जानते क्योंकि आईपीएल में हमने इनको देखा है, हम बैटिंग बॉलिंग दोनों करके जाएंगे तो होने ही चाहिए आपकी टीम में। रेमन रेफर एक अच्छा ऑलराउंडर एवरेज कैटेगरी में आते हैं लेकिन आप सेफ पिक ढूंढ रहे हो किसी आप मतलब विंडीज की तरफ से, तो ये भी इसमें आ जाते हैं, आप ले सकते हो। बॉलिंग सेक्शन में शार्दुल ठाकुर, अजहरी जोसेफ, केमारोच, शेनन गैब्रियल और मोहम्मद सिराज, ये आपके पास ऑप्शन है। इसमें अगर सजेस्टिंग में देखें हम तो शार्दुल ठाकुर और अजहरी जोसेफ का फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा है, हमने इन्हें ऑलरेडी सिलेक्ट भी कर रखा है क्योंकि टॉप प्लेयर्स की कैटेगरी में आ रहे हैं बार बार, ठीक है। तो चलिए हमने यहाँ पर ऑलमोस्ट जो टॉप प्लेयर्स थे इस मैच में आपके लिए कौन से होने वाले वो देख लिए हैं। अब सीधा सीधा प्लेयर वाइज एनालिसिस की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, पावर रैंकिंग के ऊपर आ जाना है, परफेक्ट लाइनअप के ऊपर। देखो यहाँ पर प्लेयर्स को रैंक किया जाता है और जितना प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसे उतनी अच्छी रैंक दी जाती है। तो रैंक वाइज इस मैच में आपके लिए टॉप प्लेयर्स कौन से रहेंगे, पहला नाम तो आपको रविंद्र जडेजा का दिखाई देगा, उसके बाद अजिंक्य रहाणे, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज, तो जो टॉप की चार है ना इंडिया वाले, ठीक है, उसके बाद ये एथनिस का नाम दिखाई देगा, उसके बाद फिर से इंडिया वाले के श्रीकर भरत और रोहित शर्मा, शुभमन गिल और आर अश्विन, ठीक है। तो एक इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर इंडिया ही डोमिनेट करेगी इस मैच में, लेकिन विंडीज़ की होम कंडीशन से ये भी ध्यान रखना है क्योंकि अगर हम देखें बांग्लादेश और इंग्लैंड का पिछला दौरा तो बांग्लादेश ने हरा दिया था इंग्लैंड को जब इंग्लैंड बांग्लादेश में गई थी, ठीक है, होम कंडीशंस का एक डोमेस्टिक जो इन्वायरमेंट है उससे वो वाकिफ होते हैं, विंडीज़ के जो प्लेयर है उनका होम ग्राउंड होगा तो वो तो एडवांटेज उनको मिलेगा ही, लेकिन फिर भी इंडिया की जो टीम है इतनी हल्की नहीं कि कोई भी हरा के चला जाए, ठीक है। तो देखिए हम सिर्फ रैंक के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, हम डेप्थ में जाएंगे प्लेयर के। अब रविंद्र जडेजा को थोड़ा एक्सप्लोर करते, आपको वो जो ग्राफ है ना रविंद्र जडेजा के सामने उस पे क्लिक जब आप करते हो तो आपके सामने कुछ ऐसा यूजर इंटरफेस आ जाता है। देखो रविंद्र जडेजा लास्ट के 10 में से 8 बार ही ड्रीम टीम में रह चुके, और अगर आप थोड़ा नीचे देखोगे ना बैटिंग फर्स्ट में इनका 175 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज आपको दिखाई देगा, चेजिंग में 4 पॉइंट्स बढ़ के 179 का हो जाता है। कैप्टनसी के लिए बढ़िया ऑप्शन होंगे रविंद्र जडेजा। बाकी थोड़ा नीचे चल लेते, देखो फॉर्म इनका काफ़ी लाजवाब चल रहा है, ये सेकंड लास्ट मैच आप छोड़ देना, उससे पहले जो भी मैच देखोगे ना उसमें 250 150 इसके ऊपर ही इनके फैंटेसी पॉइंट्स आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इनका 99 68 145 रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर 250 यहाँ पर 250, ये भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही खेले हैं, ठीक है, तो मजबूत टीम है ऑस्ट्रेलिया, फिर भी इन्होंने परफॉर्मेंस किया है उनके सामने वो भी 250 फैंटेसी पॉइंट्स का, वो कोई छोटी बात होती नहीं है, ठीक है। वाई फॉर्मेट में चलते हैं, इनका टेस्ट का पूरा हम देख लेते हैं। 2023 में टोटल 10 मैचेस खेले हैं, 18 का इनका एवरेज, बैटिंग से कुछ खास करा नहीं है लेकिन बॉलिंग से आप देख सकते हो 10 मैचेस में 26 विकेट निकाली है ना, उसमें भी विंडीज़ के पीछे स्पिनर्स को अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पर मिलता है, तो यहाँ पर तो इनका आंकड़ा और भी गजब का होना चाहिए। तो बाकी बैटिंग और बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट करेंगे, ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट रहेगा रविंद्र जडेजा के बारे में, तो हम यहाँ पर उनको अपने टीम में लॉक करेंगे सीधा सीधा। अब देखो आपको उन प्लेयर्स को लॉक करना है जो आप किसी भी हालत में अपने टीम से ड्रॉप नहीं करना चाहते, अब बाकी के प्लेयर्स ऐसे होंगे जो 50-50 होंगे आपके लिए इंपॉर्टेंट तो है लेकिन टीम में लॉक नहीं कर सकते आप, उन्हें आपको प्रिफर्ड में डाल देना होता है। और कुछ प्लेयर ऐसे होंगे जो खेलने के चांसेस उनके कम लग रहे हो आपको, या फिर उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, या फिर उनका रिकॉर्ड खराब है, उन्हें आपको एक्सक्लूड कर देना है।
तो ये आप जितना यहाँ पर अच्छे से करोगे उतनी अच्छी टीम आपके सामने बन के आ जाएगी। फिलहाल हमने कुछ प्लेयर्स आपके लिए निकाल के रखे हैं, ठीक है। तो देखो कौन कौन से प्लेयर निकाले हमने, रविंद्र जडेजा, अजिंक्य रहाणे, शार्दुल ठाकुर, थोड़ा नीचे चलते ये एथनेस, के श्रीकर भरत। के श्रीकर भरत की जगह पे आप जे डी सिल्वा को थोड़ा सा प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर उनकी ज़्यादा चांसेस है पॉइंट देने के। रोहित शर्मा, उसके बाद रविचंद्रन अश्विन, अकीम जॉर्डन, विराट कोहली, टिचंदर पॉल, क्रेग ब्रैथवेट, अल्जरी जोसेफ, अक्षर पटेल, जेसन होल्डर, ठीक है। नीचे चलिए, जे डी सिल्वा, रेमन रिफर, यशस्वी जायसवाल, जयदेव उनादकट। अब देखो जयदेव उनादकट काफ़ी अच्छे फॉर्म से आ रहे हैं, डोमेस्टिक में अच्छा वर्क आ रहे हैं। यशस्वी जायसवाल को हमने आईपीएल में देखा है, तो अगर ये खेलेंगे ना तो इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके लिए, वैसे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं मुझे। और यम कुमार, इनका भी यहाँ पर हमने रिकॉर्ड देखते हुए इन्हें अपने टीम में प्रेफरेंस में डाल दिया है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इन प्लेयर्स के इर्द गिर्द आपकी टीम घूमनी चाहिए। आपको बाकी के जो प्लेयर्स से अगर आप पूरा एक्सप्लोर ही करना चाहते हो, पूरा स्क्वाड अपने से देखना चाहते हो, तो आ जाइए परफेक्ट लाइनअप एप्लीकेशन पे, पूरा स्क्वाड आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप अपने हिसाब से अपने पेस से ये सारी चीज़ें देख सकते हो, जैसे हमने रविंद्र जडेजा की देखी। अब सीधे जैसे हम अपनी जो ग्रैंड लीग की जो टीम से उनकी तरफ चल लेते। देखो आपको इसके लिए कस्टम टीम बिल्डर के ऊपर आ जाना है। यहाँ पर आप ग्रैंड लीग की टीमें कम से कम समय में लॉजिकल वे में बना सकते हो। अब आपको इसका यूज़ कैसे करना है, देखिए आमतौर पे हम करते क्या है, ग्रैंड लीग की जब टीम्स क्रिएट करते हैं ना, तो एक टीम होती है हमारी, हम उसे खींचते चले जाते, कैप्टन वाइस कैप्टन इंटरचेंज करते जाते, या फिर वो रोटेशन नहीं कर पाते हम, करते भी है तो फिर कोई लॉजिक नहीं होता उसमें। तो आपको लॉजिक चाहिए होता है, ये लॉजिक आपको कस्टम टीम बिल्डर पर मिलता है। जैसे आप कस्टम टीम बिल्डर ओपन करोगे, दो ऑप्शन होते हैं, एक सिंपल का होता है, एक एडवांस का होता है। एडवांस में आपको और भी ज़्यादा लॉजिक मिलते हैं। इसे ओपन कर लीजिए, क्रिएट टीम्स फॉर पे आपको आ जाना है। बहुत सारे फैंटेसी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, आप जिस पर भी खेल रहे हो उसको सेलेक्ट कर लो। फिलहाल हम यहाँ पर ड्रीम इलेवन के साथ जा रहे हैं। थोड़ा सा नीचे आ जाना है, तीन ऑप्शन है, परफेक्ट लाइनअप प्रेडिक्शन, रिसेंट परफॉर्मेंसेस और ड्रीम टीम अपेयरेंसेस। आप सिर्फ प्लेयर की कंसिस्टेंसी को यहाँ पर कोर रख के अपनी टीम क्रिएट करना चाहते हो तो इसके साथ जाओ। रिसेंट परफॉर्मेंस आपको कोर रखना है, यानी जिन प्लेयर्स का रिसेंट परफॉर्मेंस अच्छा हो वही आपके टीम में आएंगे। अगर ऐसे आपको चाहिए तो आप इसके साथ जाओ, नहीं तो बैलेंस, मतलब सारी चीज़ें यहाँ पर बैलेंस रखते हुए आपको टीम चाहिए तो परफेक्ट लाइनअप प्रेडिक्शन बढ़िया है। तो हम परफेक्ट लाइनअप प्रेडिक्शन को यूज़ करेंगे। इंडिया की टीम मजबूत है, विंडीज़ की टीम की प्लेयर्स को हम कम कर देते, ये एक लॉजिक आपके पास होता है, ठीक है। एक से चार रखेंगे क्योंकि विंडीज़ की तरफ से भी चार पांच प्लेयर ऐसे ना परफॉर्म करके ही देंगे आपको, तो एक से चार के बीच में हम विंडीज़ के प्लेयर रखते तो इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। फिर आपकी जो भी टीमें बनेंगी ना तो उसमें पांच विंडीज़ के प्लेयर आएंगे ही नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा एक से बिटवीन चार के बीच में। और इंडिया के ना तो वो बाकी के इंडिया के ही आएंगे। अगर आप पिक टीम फॉर्मेशन देखोगे तो देखिए आमतौर पर जो विनेंट पिच रिपोर्ट होता है ना उससे हम डिसाइड करते पिक टीम फॉर्मेशन का। वैसे यहाँ का जो पिच होता है वो यहाँ पर आपको न्यूट्रल सा दिखाई देगा, तो इसमें हम ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे। टीम वेरिएशन अगर आप देखोगे ना तो डिफरेंट टीम्स के साथ आप जा सकते हो, नहीं तो कॉम्बिनेशन अगर आपका बहुत अच्छा लग रहा है आपको, क्योंकि एक टीम मजबूत है एक टीम कमज़ोर है तो कॉम्बिनेशन अच्छा खासा बन जाता है ऐसे केसेस में, तो आप सिमिलर टीम से डिफरेंट कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो। नीचे आपको नंबर ऑफ टीम सेलेक्ट कर लेनी है। देखो कैप्टन से वाइस कैप्टन से सेटिंग भी यहाँ पर आपको करने का मौका मिलता है परफेक्ट लाइनअप पर। आप डिफॉल्ट के साथ जाओ, नहीं तो आप कस्टमाइजेशन भी यहाँ पर कर सकते हो। तो कस्टमाइज़ कर लेंगे हम, कुछ प्लेयर्स को ले लेंगे अपनी टीम में एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन, जिसमें रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, ठीक है, अक्षर पटेल, ये तीन प्लेयर्स हम सेलेक्ट कर लेते। शार्दुल ठाकुर भी इसमें होने चाहिए। और बाकी अगर आप अजिंक्य रहाणे और विराट कोहली के साथ जाना चाहो तो जा सकते हो, ठीक है, हम ले लेते दोनों को, डन कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पर नंबर ऑफ टीम सेलेक्ट कर लिए, जितनी चाहे उतनी कर लेनी आपको, हमने बहुत सारे लॉजिक लगा के रखे हैं यहाँ पे, तो अब हमारी टीम उस हिसाब से बननी चाहिए। अब देखिए आपके सामने कुछ फाइनल, जब आप टीम क्रिएट करते हो ना उससे पहले से यूज़र इंटरफेस आ जाता है, तो वो फाइनल होता है कि आपको कौन से प्लेयर्स को अपनी टीम से हटा देना है, कौन से प्लेयर है जो आप प्रेफरेंस में रखना चाहते हो, कौन से प्लेयर है जिन्हें आपको लॉक करना है। अब लॉक आपको उन प्लेयर्स को करना होता है जो मस्ट हैव कैटेगरी के होते हैं, आप किसी भी हालत में उन्हें अपनी टीम से ड्रॉप नहीं करोगे। प्रेफरेंस का जो ऑप्शन होता है यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, और एक्सक्लूड कर देना आपको उन प्लेयर्स को जो कुछ काम के नहीं आपके लिए, तो ये हमने पहले भी बताया आपको, फिर से रिपीट कर दिया मैंने आपको। अब ये अच्छे से कर लेना डिफरेंशिएशन, आप जनरेट टीम्स के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने जो टीम्स है वो बन के आ जाएंगी। तो एक एक टीम है, आप देखते रहिए, इसे स्क्रीनशॉट निकालते रहिए,
ये आपको एक आइडिया भी आ जाएगा, ठीक है, और कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ठीक है। अब हम अपनी जो स्मॉल लीग की टीम है इसकी तरफ चल लेते। आप जल्दी से यहाँ पर स्क्रीनशॉट निकालते चलिए इन टीम्स के, है ना। चलो हम यहाँ पर अब अपनी जो स्मॉल लीग की टीम है उसकी तरफ चल लेते हैं। तो हमारी स्मॉल लीग की टीम होगी, देखो हमने विकेटिंग सेक्शन में जेडी सिल्वा को लिया है, बाकी अगर बैटिंग सेक्शन देखोगे तो विराट कोहली हमारे टीम में रहेंगे। अब ये आपके ऊपर छोड़ देता हूँ मैं, आप अजिंक्य रहाणे के साथ जाओ, आप शुभमन गिल के साथ जाओ, आप यहाँ पर विंडीज का कोई बैट्समैन ले सकते हो, रोहित शर्मा के साथ जा सकते हो आप, ठीक है। लेकिन जो नीचे का जो कोर है वो आपके पास होना चाहिए, जैसे जेसन होल्डर, अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा, ये जो चार प्लेयर ना कोर है इस टीम का, ये रखो आप, बाकी रोटेशन कर सकते हो। बॉलिंग भी अच्छी खासी ली गई है, शार्दुल ठाकुर, उसके बाद केमा रोच, अल्जरी जोसेफ, यम कुमार और अकीम जॉर्डन, यहाँ पर हमने बॉलिंग भी अच्छी खासी कवर की है। देखो विंडीज़ की तरफ से वो बैट्समैन नहीं है जो यहाँ पर कंसिस्टेंटली बहुत बड़ा स्कोर कर दे, है ना। तो इससे अच्छा आप अच्छे ऑलराउंडर देखो विंडीज़ के, या फिर बॉलर देखो जो कंसिस्टेंट है परफॉर्मेंस में। तो हमने उस हिसाब से तीन बॉलर्स को चूज़ किया है, केमा रोच, अल्जरी जोसेफ और अकीम जॉर्डन को। जेसन होल्डर एज ऑलराउंडर, जेडी सिल्वा एक कंसिस्टेंट है, विकेट कीपिंग भी करके जा रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे। इंडिया के वो प्लेयर्स हमारी टीम में जो टेस्ट स्पेशलिस्ट है, जो हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस करके देते हैं। बाकी बैट्समैन से अच्छा आप ऑलराउंडर्स को प्रेफर कर सकते हो इस टीम में, ठीक है। आपके पास रोटेशन के लिए बहुत कुछ है, ठीक है, क्योंकि इंडिया की टीम है, इंडिया में आप कुछ भी कर लो अच्छे प्लेयर तो छूट ही जाते हैं। तो रोटेशन में खेलो आप, ग्रैंड लीग अगर खेलोगे इस मैच में तो और भी अच्छा है। तो ये हमारी स्मॉल लीग की कोर टीम थी, बाकी फाइनल टीम तो ये भी नहीं है, फाइनल टीम तो आपको मिलती है परफेक्ट लाइनअप के ऊपर। तो परफेक्ट लाइनअप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन, कमेंट सेक्शन दोनों जगह पे मिल जाएगा, आप अभी इसे डाउनलोड कर लीजिए। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो आपको थोड़ा सा भी, तो इसे लाइक ज़रूर कर देना यार। चैनल पर पहली बार आए हो आप, सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो करो। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।